हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए देखेंगे हम। तो चलिए, अभी चार्ट के ऊपर जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी सबसे पहले हम निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कि कल कौन से लेवल्स पर बाय और सेल हमारा बनेगा। आज का चार्ट देखते हुए हमें लग रहा है कि आज बहुत से लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि आपको कल बताया था कि इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हम कोई बाय नहीं करेगा और सेल हमारा इसके नीचे सेल था। तो निफ्टी ने आज ऊपर की साइड लेवल्स ब्रेक करते हुए बहुत ही अच्छा, मतलब आधे घंटे में ये मूवमेंट मिला, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया मूवमेंट मिला है और पैसा इधर डबल होता हुआ दिखा है। क्योंकि मैंने आज ट्रैक कर रहा था, मतलब मैंने बाय किया था 75 में बाय किया था और 150 उसका भाव 150 तक पहुंचता हुआ हमें दिखा हुआ है। तो ये रहा था आज का निफ्टी का मूवमेंट्स। हमारा बैंक निफ्टी में भी वैसा ही था, जैसे कि आपको कल बताया था कि बाइंग इग्नोर करना है, ज़्यादातर हमें सेलिंग में ही ध्यान देना है। वैसे ही बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग देके पूरा दिन नीचे का मूवमेंट करके थोड़ा कुछ टाइम, तो भी हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज देखें तो कल जैसे कि आपको बताया था कि सेल साइड में हमें, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बताया था कि सेल साइड हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, सेलिंग का मूवमेंट हमें मिलेगा। और आज मार्केट में निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देके अच्छा खासा सेल साइड हमें नीचे की साइड रैली दी है और उसमें भी अच्छा खासा पैसा बना है। बाद में इधर नीचे आप देख सकते हो कि डबल बॉटम बना है, या तो फिर इधर मैंने इधर बाय किया था, यहीं कहीं वो कुछ 15 मूविंग एवरेज था उसके ब्रेकआउट पर बाय किया था, उधर भी ये वाला है 15 मूविंग, इसके ब्रेकआउट के ऊपर मैंने बाय किया था और इधर भी अच्छा खासा लास्ट आधे घंटे में मतलब पैसा बनता हुआ दिखा है। मतलब आज दोनों तरफ से आज हमारा मूवमेंट अच्छा रहा है और लेवल्स भी बढ़िया रहे हैं। अभी चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारा कौन सा लेवल्स रहेगा, क्या बाय और सेल हमारा बनेगा। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी में करना क्या है, मैं ये एक्स्ट्रा लेवल्स डिलीट मार देता हूँ। अभी जब तक कल निफ्टी आज का हाई नहीं निकालता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। मतलब लेवल्स कौन सा है, 18,816 ही राउंड फिगर रख लो। तब तक 18,800 बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर की ओर नहीं निकलता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। और टारगेट हमारा रहेगा 50-50 पॉइंट के गैप में रहेगा। 800 है तो 850 का फर्स्ट टारगेट हमारा 850 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 18,900। वैसे ही हम आगे 50-50 पॉइंट के रेंज में लेते हुए चले गए, या तो फिर एक मिनट इधर से फिर रिट्रेसमेंट की देख लेते आज के दिन, मतलब जो स्विंग था इसके हिसाब से मैंने आज टारगेट में जो लिया था, आज मैं इसके हिसाब से ही मैं लिया था, फर्स्ट टारगेट ये रहा, वही उसके आसपास आ रहा है। तो टारगेट हमारा बस 50-50 पॉइंट की गैप में हम टारगेट रखते जाएंगे निफ्टी में। डाउन साइड क्या रहेगा, डाउन साइड आज का ये वाला सिंह जहाँ पे हमें आज ब्रेकआउट मिला है वही अभी उसके नीचे जाएगा, तभी हम सेल करें, उसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये वाला सिंह आज का दिन का लो 18,600 का फर्स्ट टारगेट हमारा ये, और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा, हाँ ये अच्छा मजबूत सपोर्ट रहेगा कल के दिन 18,550 का। ये रहे निफ्टी के लेवल्स। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, बाय इसके ऊपर बनेगा 18,800 के ऊपर बाय, फर्स्ट टारगेट 18,850 का, दूसरा टारगेट 18,900 का, और सेल साइड बनेगा हमारा 18,675 का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 18,600 और 18,550 सेकंड टारगेट रहेगा। अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। पहले ये सारे लेवल्स मैं रिमूव कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में बाय कब करेंगे आप, ये वाला स्विंग एरिया कौन सा है, 43,300 के ऊपर निकलेगा तभी हमारा बाय बनेगा। टारगेट्स क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे हम 150-150 पॉइंट के गैप के रेंज में, क्योंकि अभी ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। आपको पता होगा कि ज़्यादातर में अगर हमारे पास कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है तो मैं 150-200 पॉइंट की रेंज में आपको टारगेट देता हूँ। तो इधर से हम देख लेते हैं 150-150 पॉइंट के रेंज में, मतलब ये हो गया हमारा, है ना, हाँ। तो इसके अभी सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये वाला
43,700, और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 150 पॉइंट के रेंज में। कौन सा आ रहा है दूसरा, मतलब उसके आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। 450 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, और दूसरा टारगेट रहेगा 700 का। अभी नीचे साइड अभी सेल कहाँ करना है, सेल के लिए देखा जाए तो इधर हम भी हमारे पास दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एक तो ये वाला बन रहा है 43,130 का, इसके नीचे इसके यहाँ पर हम हो सके तो मतलब इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये हमारे लिए हडल बनेगा। फाइनल सेल कहाँ करना है, अगर हमें सेफ सेफ ट्रेडर हो आप, मान लो कि ज़्यादा रिस्क ले उठाना नहीं चाहते हो, इसके नीचे ही हमें सेल करना है, ये 43,000 के नीचे, क्योंकि ये एकदम मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो ये लेवल्स ब्रेक करेगा, तभी हमें अच्छा खासा नीचे की साइड मूवमेंट बनेगा। थोड़ा अडल रहेगा, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो इसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा हमारा क्या रहेगा, ये वाला लेवल्स आज का लो, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का, फर्स्ट टारगेट हमारे पास 42,870, और दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला 42,730, ये हमारा दूसरा टारगेट। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल से हमारे आज कल के लिए इसके ऊपर हम बाय और सेल कर सकते हैं। इसका कलर आप चाहो तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये हो गया ब्लैक, ये हमारा बाय और सेल का लेवल है। इसके नीचे मतलब बाय और सेल आप कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। ट्रेड करो तो अच्छे से थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है, थोड़ा प्रीमियम डीके का ज़्यादा रिस्क रहेगा, और आज इवेंट भी है फेड की मीटिंग का, कुछ है मोमेंट हमें कुछ कल बहुत ज़्यादा भी दिख सकता है और नहीं भी दिख सकता है। क्योंकि मान लो कि अगर कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन हमें मिल गया, वैसे तो अभी गैप डाउन दिखा रहा है, अभी SGX निफ्टी को देखा था, अभी भी 100 पॉइंट डाउन चल रहा है, गैप डाउन दिख रहा है, डाउ जोन्स 200 पॉइंट माइनस है, और नैसडेक थोड़ा एवरेज चल रहा है, साइडवेज है। अभी जब तक ये दोनों साथ नहीं चलेगा तब तक अभी किसी भी मार्केट में हमें बड़ा मूव नहीं दिखेगा। ऐसा ही साइडवेज वाला और प्रीमियम डीके वाला सेलर्स के लिए बेटर रहेगा ये मार्केट, ऑप्शन बायर इसमें थोड़ा कम मिलेगा उसको ट्रेड। तो बस आज के लिए इतना ही था, तो बस आज के मार्केट में हमारे लिए बस इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बस थैंक यू, धन्यवाद।